है भाई अपनी नई गाड़ी। सो हैप्पी। बहुत टाइम से गाड़ी ढूंढ रहा था, बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को ये गाड़ी मिली है। एंड आई होप सो कि मैं इस गाड़ी से मैं बहुत बहुत अर्न करूँ। मतलब आई एम सो हैप्पी, मतलब फीलिंग सो ब्लेस्ड। अभी मैंने पापा जी के साथ व्लॉग नहीं किया है क्योंकि पापा जी कहीं गए हुए हैं अभी। एंड जो सनरूफ चाहिए थी, सनरूफ भी आ चुकी है अपने पास। ये लो भाई, आप लोग भी सनरूफ का एंजॉयमेंट करो। ये लो। और अभी जो बेस्ट चीज़ ये होने वाली कि अभी ना अमन को पता है, ना मम्मी जी को पता है, ना मेरे किसी फ्रेंड को पता है, ना भाभी को पता है, किसी को भी नहीं पता कि हमने गाड़ी ले ली है। और मम्मी जी को थोड़ा बहुत आइडिया कि कहीं बात चल रही है गाड़ी की। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार मैंने बहुत मेहनत करी गाड़ी के लिए ये किया, बट मैं लाइफ में अगर आप मेहनत करते जाओगे ना, तो जो आप गलत चॉइसेस करते जाओगे, भगवान उस पर खुद काटा मारता जाएगा। और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं हमेशा सुनता था किसी के मुंह से, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भाई इस बात का सच में कोई मतलब होता है। मेरी मतलब कुछ गाड़ी मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी, अब की बार जो मैंने सोची नहीं थी, मैंने आज ही गाड़ी देखी थी और आज ही डन कर दिया है। एंड वी आर जस्ट हेडिंग होम विद दिस ब्यूटी। हेलो बाबा जी, कंग्रेचुलेशन, गाड़ी आ गई। मस्त गाड़ी है यार। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद है बाबा श्याम के, गुरुजी के, शंकर भगवान के, माता पार्वती के, सबके। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे के रखना। चलो अभी चलते हैं, अभी मैं ऑफिस जाऊंगा एंड देन सबको सरप्राइज करूंगा। किसी को आइडिया तक नहीं है, थोड़ा बहुत क्लू है कि हम नई गाड़ी लेने गए हैं। हेलो, हाँ क्या कर रहे हैं? सुन, आस पास तो नहीं है कोई? हाँ। गाड़ी ले ली है मम्मी जी के पास। रारन जी, रारन जी, गाड़ी ले ली है? नहीं है? हाँ मेरे पास ही खड़ी है गाड़ी, ऑफिस में आ गया मैं। और आई थिंक सो यू विल लव इट, अच्छी गाड़ी है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, नई गाड़ी ले ली है। मुबारक हो सर आपको नई गाड़ी ली। थैंक यू। पसीने साफ कर रहा है व्लॉग बनाने के लिए। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या कांग्रेचुलेशंस देखी? यस, अभी लेके आया हूँ बस। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ना, बहुत धक्के खाए भाई, बहुत धक्के खाए, तब जाके हमें मिली सनरूफ। अब निकलना भाई उसमें से बाहर। आ जा फिट तो नहीं, अब तो भाभी को घुमाने। भाभी को घुमाने, आने वाली भाभी को। अरे वो अभी आई है, एक भाभी हमारी आ जाओगी। अभी पापा जी अपने फ्रेंड्स वगैरह को गाड़ी दिखा रहे हैं भाई। कोई नहीं, दिखा दो, कर लो शो। अंकल जी कैसी लगी गाड़ी? एकदम मस्त, मजा आ गया। चलो भाई चलते हैं अपनी बीस्ट की तरफ। और अब जा रहे हैं हम घर की ओर। मम्मी जी, भाभी, अमन, शिमबुड़ी सब इंतजार कर रहे हैं। एंड वॉच दिस ब्यूटी, नाइस। चलो पापा जी और मेरे साथ ये हो रखा था, तो इतना खर्चा हो ही गया है, तो थोड़ा सनरूफ वाली गाड़ी भी ले लेते हैं। There you go, sunroof baby, let's go। पापा है पीछे फॉर्च्यूनर में, मैं हूँ अपनी गाड़ी में। अब फोन रखता हूँ यार नीचे, थोड़ा सा डर है, नई नई गाड़ी है ना। अरे घंटे का डर। भाई मैं सोसाइटी के पास पहुंच चुका हूँ, नर्वसनेस है, सब कुछ है। नर्वसनेस क्यों है? वेरी मच एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मम्मी जी चाहती थी मेरे को वो गाड़ी मिले जो मैं चाहता हूँ। एंड आई थिंक सो आई फाउंड माई ब्यूटी। मैं इतनी देर से भाई फोन यूज कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ और इधर कोई नहीं है। जी भैया, मेरी है गाड़ी। अच्छा हाँ, क्यों वो चेंज कर दी तू? हाँ वो चेंज कर दी। एटलीस्ट गार्ड इज देयर टू वेलकम मी। देखो भाई कैसे लगी, सनरूफ वन रो सब एलेंट्रा, कलर भी अच्छा है, किची 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 किची, सही है, अच्छी है, लाउड है। हम तो रेडी हो गए थे, अब लोग सुनेंगे। विद इन 3 मिनट्स गाड़ी पसंद कर ली, 3 मिनट के अंदर गाड़ी पसंद कर ली, नाइस। बदले जो देख के माहौल, फक के माहौल। थैंक यू। बना लोगे ना? वो तो नहीं कर दोगे खराब, एक ही चांस मिलेगा स्वास्तिक बनाने के लिए। ऐसा परफेक्ट बनाऊंगी, देखते रह जाओगे बस। किसने नहीं देखा? अरे वाह,
चलो अब आप लोगों को गाड़ी में बिठाते हैं और एक अच्छे अच्छे टेस्ट ड्राइव और एक अच्छे अच्छे फंक्शंस बताते हैं। अमन वेंटिलेटेड सीट्स। आई नो I'll be that silver lining to the story. If you thought that I would turn it on, then y'all don't know me. जब हम पापा जी को कहते हैं पापा जी गाड़ी, पापा जी चाय की चुस्की लेते और कुछ बोलते नहीं। हाँ लेंगे लेंगे, हाँ करते हैं। और भैया पापा जी कहना गाड़ी की गाड़ी बात स्टार्ट करना, मम्मी जी गाड़ी मेरी साइड ने ऐसे ऐसे सारा करा कर। हाँ। क्या गाड़ी बात स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे सारा करा करता पापा जी ने कही। अरे मैं सोचता और पापा जी ने एकदम से 3 मिनट में गाड़ी लागी मैक्सिमम 3 मिनट्स ओनली 3 मिनट्स मैंने चलाई और पापा जी ने पीछे बैठ के हाँ भराया बस। पापा ने गाड़ी चलाई भी नहीं, 1 रुपए का सिक्का अभी तक नहीं गिरा। तो हमारी ब्यूटी खड़ी है इधर और हम जा रहे हैं बीकानेर वाला। थैंक यू पापा जी वंस अगेन। मैं तो पापा जी ये आपका एहसान तो क्या करूँगा, आपका बच्चा है बट मैं सच्ची बता रहा हूँ इससे ना इससे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ना तरक्की हुई लाइफ में है ना। ऐसे चाह रहे थे अब लेते हैं। एक दिन बोली थी कि भाई इसको ना चेंज करेंगे। कौन सी क्रेटा बेची तभी आई। हम मिठाई विठाई ले रहे हैं अभी जो जितने भी गार्ड्स हैं हमारे लिए सबके लिए मिठाई ले रहे हैं ताकि जो भी खुशी होती है आपको एंजॉय करना चाहिए सबके साथ। गुड नाइट है बेबी को, गुड नाइट, वेरी गुड। भाई साहब मैंने ना चाबी ऐसे जेब में रखी है, अरे ऐसे हाथ दबा के बटन बंद करिए गाड़ी। मम्मी तो ऐसे तैयार हो गए जैसे क्लब में जा रहे हैं। भाभी जी ना दूर से दिख जाएंगी ऐसा ट्राउजर पहन रखा है। नई गाड़ी आ गई बेटू।